ना ये वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले स्वपन जी को सादर धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भी हमें इस चीज़ से जोड़ा। और मैं हमेशा बताना चाहती हूँ, दूर से देखने पर हर चीज़ बहुत आसान नज़र आती है। वो जिस तरीके से चालू कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, लोगों को जोड़ने के लिए और इस जगह को आगे बढ़ाने के लिए, जब तक आप अपने लिए खुद मदद नहीं करेंगे, जुड़ेंगे नहीं, तो ये चीज़ भी उतनी अच्छे से सफल नहीं हो पाएगी। तो आप लोगों का भी यहाँ पर आना इस चीज़ के बारे में बताता है कि नहीं, आप लोग भी कहीं ना कहीं जुड़ने के लिए तैयार हैं और आपको भी अपने साथ साथ और लोगों को भी जोड़ना है। अब बात आ रही है कि मेरा है फार्म मैकेनाइजेशन, जिसको कहते हैं खेती का मशीनीकरण, या हम सरल भाषा में बोल सकते हैं आधुनिकरण। तो पहले इस चीज़ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक एक करके ये बताती हूँ कि हमारे यहाँ सबसे पहले हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया, जिसको हम हरित क्रांति कहते हैं, जहाँ पे हमारे आगे चलने वाले जो लीडर थे, हमारे जो नेता थे, जो हमें सही रास्ता दिखा सकते थे, उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास बहुत अधिक क्षमता है, हमारे पास बहुत अच्छे खेत हैं, जमीन है, हमारे जो सीज़न है, हमारा जो पूरा माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो बहुत अच्छा है, जिससे हम बहुत अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं, तो हम क्यों ना उस पर ध्यान दें। और वही करने की वजह से आज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हमारे लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। लेकिन उसमें भी अगर बात की जाए हम मशीनीकरण की, तो केवल 40% ही है भारत में जहाँ पर मशीनीकरण किया गया है खेती का। और उसमें भी अगर हम राज्य के हिसाब से देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मशीनीकरण किया है। मेरा बात ये है कि क्यों उन लोगों ने मशीनीकरण किया, क्या हम नहीं कर सकते, क्या इतना ज़रूरी है मशीनीकरण, क्या हम उसके बगैर नहीं रह सकते। तो मैं आपको एक एक चीज़ें रखूँगी। अब आखिर में आपको ही निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है, क्यों नॉर्थ ईस्ट में मशीनीकरण नहीं हो पा रहा। तो जब हमने अपने यहाँ भी रिसर्च स्टार्ट की हमारे डिपार्टमेंट में, हमने देखा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें आई हैं वो भारत में बाहर से लाई गई हैं, क्योंकि मशीनीकरण की शुरुआत ही जो है वो विकसित देशों ने की है, बाहर के देशों ने की है। हमारे देश ने कभी नहीं कहा कि हमें मशीनों की ज़रूरत है, हम बिना मशीन के नहीं चल सकते, लेकिन उन्होंने कहा। और उसके पीछे उनका क्या था, क्योंकि मैं बाहर भी रह चुकी हूँ 1-1.5 साल, मैंने देखा है वहाँ लोगों का मिलना, काम के लोगों का मिलना बहुत कठिन है। आप मशीन खरीद सकते हो, उससे काम करा सकते हो, बल्कि घर के काम भी, जैसे हम यहाँ पे घर के काम के लिए भी हमें मदद ले देने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन बाहर वो भी नहीं मिलते हैं। तो वहाँ पे लोग पूरी तरीके से मशीनों पे हैं, चाहे वो घर के काम हो, चाहे खेतों के काम हो, चाहे हमारे उद्योगों के काम हो, तो वो मशीनों पे ज़्यादा। अब हम देखते हैं क्योंकि वो मशीन यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि भारत में हम लोग बहुत सीधे लोगों में आते हैं, हमें जो दिखाया जाता है हमें वही सही लगने लगता है, लेकिन ये नहीं है। हमें भी देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, हमारी पॉपुलेशन भी अच्छी है, उनके पास पॉपुलेशन कम है, लोग नहीं मिलते हैं, हमारे पास है। अब बात आती है मशीनीकरण की कि क्यों दूसरे राज्यों ने अपनाया, तो दूसरे राज्यों में अभी भी खेती का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ज़्यादातर स्मॉल या मार्जिनल फार्मर है, छोटे और मध्यम वर्ग। अब छोटे क्या बोले जाते हैं, जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन 2.6 हेक्टेयर से कम होगी, हम उसको छोटा या मध्यम वर्गीय किसान बोलते हैं। अगर वहाँ पे वो मशीन में अपना अगर पैसा लगाएगा तो उसको क्या रिटर्न मिलेगा, उसे ये भी सोचना है। तो उसके लिए भी अलग अलग तरीके से सरकार ने योजनाएं भी लाई है। अगर आपको वाकई में लगता है कि आपको लोग नहीं मिल रहे, काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे, आपके घर में जहाँ 4 लोग मिलके काम करते थे, आज 1 या 2 ही अवेलेबल हैं, तो आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि कुछ लोग मिलके एक साथ लोग मतलब किराए पे भी मशीनें मिलाई जाती हैं, मुहैया कराई जाती है, ये भी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी अवेलेबल है। लेकिन उसके लिए भी आपको छोटे छोटे जिनके पास खेत हैं उनको जोड़ना होगा। दूसरी चीज़ यह है, जैसे आप एक छोटा सा एक उदाहरण लीजिए, एक मोबाइल होता है, अगर आप उसको हमेशा रिचार्ज नहीं करें वो नंबर बंद हो जाता है। ऐसे ही खेत में भी आता है, अगर आप खेत की ज़मीन को
हर समय कुछ ना कुछ उगाते नहीं रहेंगे तो उसकी भी पैदावार देने की क्षमता कम होती जाती है, क्योंकि उसके भी अंदर की जो चीजें हैं वो जितनी ज्यादा यूज होगी, जैसे आप अपना दिमाग जितना कम यूज करेंगे उतना कम चलने लगता है, जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा, हर चीज के लिए उसका चलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चाहे मशीन हो, चाहे खेत हो, या हम खुद हो, हमारे खुद के कलपुर्जे हो, अगर हम उनको यूज करते रहेंगे तो ऐसे ही है। अगर आप आज एक खेती कर रहे हैं, मैं मानती हूँ खेती में बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत ही ज्यादा संभावना है कि मौसम खराब हो गया, आपकी खेती खराब हो गई, आपको बुरा लगता है कि मैंने अपना सब कुछ लगाया। इसीलिए आज की डेट में ये भी ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक जो पुराने समय से परंपरागत तरीके से खेती चल रही है उस पर मत जाइए, हम इस पर भी काम कर रहे हैं कि हम सबको आजकल एक बैकअप प्लान, एक दूसरा प्लान के साथ चलना चाहिए कि अगर मेरी खेती खराब हो गई, कुछ हो गया, तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ और दूसरा यूज क्या कर सकता हूँ, या खेती की फसल ज्यादा हो गई और उसका उतना हमको मूल्य नहीं मिल रहा है, तो मैं उसको और किसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे सपोज गर्मियों में एक छोटे से टमाटर की वैल्यू 60 से 80 रुपए होती है, वही ठंड में कम हो जाती है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने ठंड में टमाटर लगाया मुझे 10 रुपए 20 रुपए मिले, मेरा इतना नहीं हो रहा, आपको ये देखना है कि आपके पास उसका आप क्या बना सकते हैं, तो उससे हम जैम बना सकते हैं, सॉस बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो अब अगर आप उसको रखें, वो भी चीजें सीखें, उसके लिए भी सरकार से मदद है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप खुद अपने लिए खड़े होंगे तो मदद आपके पास आएगी, लेकिन जब तक इंसान पानी में खुद के खुद दो चार हाथ नहीं लगाएगा तब तक वो किनारे नहीं आ सकता। वैसे ही बात आधुनिकीकरण में भी है कि अगर आज हम खुद देख रहे हैं कि जो मशीनें पंजाब हरियाणा में यूज हो सकती है वो यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि खेतों का स्ट्रक्चर ऐसा है, जमीन ऐसी है, हमारे खुद के भी रिसर्च ऐसी चल रही है हमारे खुद के डिपार्टमेंट में, जहाँ हम प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं कि क्या ये सक्सेसफुल होगा, और वही सेम मशीन में कहाँ चेंजेस किए जा सकते हैं जहाँ से वो ज्यादा पैदावार दे सके। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि कौन सी ऐसी फसल है जो इस जमीन में अच्छी पैदावार दे सकती है। अगर आपके पीछे के लोग सिर्फ और सिर्फ चावल लगा रहे थे, ये जरूरी नहीं है आपको भी लगाना, आप भी देख सकते हैं कौन सी ऐसी पैदावार है जो अच्छा दाम देती है, आप उसको भी लगा सकते हैं, और अगर आपको उसको कैसे लगाना, क्योंकि हर चीज ऐसे ही लगा दी और छोड़ दी नहीं होता। इवन आजकल, पहले तो बच्चे पैदा होते थे, बढ़ जाते थे, खुद से अपना रास्ता ले लेते, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता ना, हमें हर चीज को एक प्रॉपर तरीका और डायरेक्शन देने की जरूरत है। वैसे ही आज हमें भी इस चीज की जरूरत है कि अगर हम कोई खेत लगा रहे हैं तो किस तरीके से लगा रहे हैं, और ऐसा नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं तो सरकार भी खड़ी है आपके साथ कि देने के लिए, लेकिन आप खुद नहीं आएंगे। जैसे आज सर ने ही ये प्रोग्राम किया, आप में से कितने लोग होंगे अगर जो जुड़ना चाहेंगे तो वो जरूर वो हम तक आए, इतनी दूर आए, हमें भी बनाए कि नहीं नहीं आप आइए, हमारे यहाँ के लोग तैयार हैं कुछ नया करने के लिए और अपने आप को बदलने के लिए, और वो करने के लिए तैयार है, हम भी आए, हमने भी देखा आपको कि हाँ है, आपने भी तैयारी है, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ बोल देने से और देख लेने से कि दूर देश में ऐसा हो रहा है या ये चीजें हो रही है, मैं हमेशा नहीं कहूंगी केवल मशीनीकरण से ही आप पैदावार बढ़ा सकते, मशीनीकरण से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपनी कंडीशन देखनी है कि क्या आपके पास वो सारी चीजें हैं, अगर आपके पास छोटी चीज है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। मशीनीकरण का ये मतलब नहीं हो जाता है सिर्फ कि आपने ट्रैक्टर ले लिया या स्प्रेयर ले लिया, यानी इस चीजों को नहीं, अगर आपके पास छोटा खेत है तो क्या आप और किसी के साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ नहीं सकते हैं तो आप और किसी से मदद लेके आप कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब तक आप इस उसमें नहीं काम करेंगे तब तक आप खुद को और अपने अपने एरिया को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और छोटी छोटी यूनिट है, हम भी आज कई जगह एरियाज में जा रहे हैं, हमने देखा है कि लोग एक ही छोटी सी खेती में, मैं खुद, मेरी पढ़ाई दिल्ली की तरफ हुई है कुछ, मैं पूना में भी रही हूँ, हमने देखा है कि वहाँ के फार्मर्स इतने ज्यादा है कि उनके पास इतना सा प्लॉट है, और आजकल एक नई तरीके की पद्धति शुरू हुई है जिसमें आप एक स्टेयर जैसे बना लेते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और उतने छोटे से एरिया में वो कई सारे अलग अलग तरीके की मिला के खेती करते हैं कि ये अगर चीज मदद कर रही है हमारी जमीन को पैदावार बढ़ाने के लिए,
ये चीज है जो उसको और मदद करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो दो चीजों को मिला के पैदावार बढ़ान के ये भी किया जा सकता। तो ये सभी आधुनिकीकरण के अंदर ही आते हैं। तो सिर्फ एक चीज जान लेना कि नहीं मशीन नहीं चलाई हमारा नहीं हुआ, उसने मशीन चलाई इसलिए उसका हुआ, इसके मैं हमेशा 100% फेवर में नहीं हूँ। इसमें आपको खुद को भी देखना है कि कहाँ आपको क्या चाहिए है, आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। अगर आपको लगता है कि कोई एक है उसके पास नॉलेज है या वो जुड़ सकता है, वो आपको जोड़ सकता है, तो आपको विश्वास के साथ उसके साथ आगे बढ़ना है। अपनी चीज़ों के लिए भी तैयारी रखनी है और आगे बढ़ना है। जैसे मैंने यहाँ आते आते देख रही थी बहुत सारे लोगों ने कुछ सुपारी के प्लांट लगाए, तो सिर्फ लगा देने से उसका और क्या हो सकता है। उनके पत्तों का भी आजकल इस्तेमाल किया जाता है, उनको यूज़ किया जा सकता है, उससे भी आप अपना उसके फर्टिलाइज़र डेवलप करने के लिए जो नेचुरल होते हैं। जैसे कि आजकल बोला गया पहले फर्टिलाइज़र यूज़ होते थे, लेकिन आजकल लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाने लगे जिसमें नेचुरल चीज़ों से जो अपने आप आपकी प्रकृति में अवेलेबल है उनको डालने से भी आप अपने पैदावार बढ़ा सकते हैं और उनको फिर आगे दे सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें अभी भी अवेलेबल हैं, आपको जुड़ना है, आपको करना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको आगे आना होगा, फिर बाकी सरकार लोग उससे जुड़ी इकाइयाँ सब आपके लिए यहाँ पे हैं। इसके साथ ही मैं अपना ये समाप्त करती हूँ, धन्यवाद। ओप,